दोस्तों ये है 2024 मॉडल की बजाज पल्सर NS160। ये देखो 160 सीसी की सबसे ज़बरदस्त बाइक भाई, पूरा फुल अपडेट हो चुकी है, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा फीचर आ चुका है। क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे भाई कि इसमें वही पुराना लुक है, हेडलाइट बल्ब वाली है, कुछ और फीचर ही नहीं है, ना डिजिटल मीटर है, ना कुछ है। अभी इसमें ऐसा ऐसा फीचर आया है कि आप अदर गाड़ियाँ भूल जाएंगे। इसमें बहुत तगड़ा फीचर आया है, 5 फीचर इसमें नए आए हैं। हम आपको एक एक करके पूरी डिटेल्स देने वाले हैं इस वीडियो में, बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे, सब बताएंगे। उसके बाद पूरा फुल रिव्यू भी होगा, एकदम अच्छे से हम आपको सब जानकारी देंगे। बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये है बजाज पल्सर NS160 और 2024 मॉडल है। सबसे पहले ये लो बीम की लाइट है जो कि पूरी LED लाइट आ चुकी है। ये आपका DRL है और ये हाई बीम की लाइट है जो कि इस तरह से जलेगी। यहाँ पर जैसे पुश करेंगे ये देखें, तो अभी ये हाई बीम है, ये लो बीम है, तो इस तरह से आपको लाइट मिलेगी LED वाली, प्रोजेक्टर नहीं, LED हेडलाइट रहेगा। बजाज का लोगो यहाँ पर, साइड प्रोफाइल आप देखेंगे इस गाड़ी का तो इस तरह से दिखेगी गाड़ी। ये देखो अभी यहाँ से हम गाड़ी को बंद कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है। अब देखो साइड प्रोफाइल, यानी कि जो लाइट का है ना लुक, देखो आप ये शेप देखो आप, इस तरह से गाड़ी दिखेगी। और दूसरी साइड से भी देखो, ये देखो ये लुक देख रहे हो। अब ये पूरी गजब की चेंज हो चुकी है नए स्टिकर के साथ। अगला अपडेट LED इंडिकेटर सब आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। देखो चारों इंडिकेटर LED वाले आ चुके हैं। ये देखिए, ये रहा सबसे ज़बरदस्त अपडेट, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये रहा विंड ग्लास, एकदम नया मॉडल का रहेगा, इस तरह से देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल आपका इस तरह से रहने वाला इस गाड़ी का। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे तो डुअल चैनल ABS अब आपको इस गाड़ी में मिलेगा। इसका मडगार्ड आप देख सकते हैं, USD, इसके अंदर फोर्क सस्पेंशन ही अप साइड डाउन सस्पेंशन, वो भी एंटी फ्रिक्शन पर, ये आप देख सकते हैं। टायर आपको इसके अंदर मिल जाएगा 100x80 सेक्शन का, 17 इंच की नई व्हील इसके अंदर आपको मिलेगी, नई रेपिंग के साथ। ये देखिए, और ये रहा इसका व्हील, डुअल चैनल ABS सस्पेंशन, ये आपका इसका मडगार्ड, और इसके अंदर आपका मिल जाता है डिस्क ब्रेक इस तरह से। ये देखिए आप, 300 mm का डिस्क ब्रेक इसके अंदर आपको मिलेगा। ये देखिए एकदम गजब का। अब यहाँ पर आपको 160 की सबसे नई बेजिंग और सबसे नया स्टिकर मिलेगा आपको। ये देखिए आप, 4 कलर में ये गाड़ी मिलती है, ब्लैक, वाइट, और उसके बाद रेड आएगा, फिर और एक कलर आएगा, 4 कलर में ये गाड़ी टोटल मिलेगी, ग्रे भी आ जाएगा। आयल कूल ये गाड़ी है, किक स्टार्टर अभी भी आपको मिल रहा है, देखिए नए अपडेट के साथ 160 सीसी का इंजन, और वो भी यहाँ पर इंजन गार्ड एकदम नए शेप में आ चुका है। तो 160.3 सीसी का इंजन है, या बल्कि यहाँ पर 160 हो चुका है, 303 हट गया है। 160 सीसी की पूरी कंप्लीट गाड़ी बना दी कंपनी ने, आयल कूल है और ट्विन स्पार्क प्लग है, 4 वाल की FIDT SI इंजन आपका रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये देखिए डिजिटल ट्विन स्पार्क प्लग इधर भी और उधर भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ट्विन स्पार्क प्लग लिखा है, DTSI इंजन आपका रहेगा। DTSI इंजन सबसे बेहतर होता है मेरे ख्याल से, आयल कूल गाड़ी रहेगी तो हीटिंग नहीं होगी। मैक्सिमम पावर है 12.7 किलोवाट का, 17.2 PS का, 9000 RPM पे। मैक्सिमम जो टार्क वो है 14.6 Nm का, 7250 RPM पे, माइलेज 40 का। ये रहा आपका इंजन का डिटेल। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है इसके अंदर 170 mm का। चलिए दूसरी साइड अब आपको दिखाते हैं सबसे नया अपडेट। ये रहा इसका साइड प्रोफाइल, आयल कूल, इंजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर गियर लीवर, 5 गियर की गाड़ी, ये पूरा साइड स्टैंड मेन स्टैंड इस तरह रहेगा। साइड पर फ्यूल इंजेक्शन, ये रहा फ्यूल टैंक जो कि ज़बरदस्त फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको मिला। देखो आप कलर देखो, खाली देख रहे हो, ये आपका रहेगा फ्यूल टैंक जो कि 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, पल्सर की सबसे नई बेजिंग। यहाँ पर ये देखिए ग्राफिक्स। चलिए सबसे नया अपडेट अब यहाँ पर आपको मिलेगा पासिंग स्विच का। ये पासिंग स्विच 3-way हो गई है, देखो जैसे यहाँ पर दबा रही है, देखो लाइट चल रही है, देखिए देख रहे हो, ये पासिंग स्विच ये बदला है, और ये आपका मोड का बटन आ गया है, और यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ करने का सेटअप आ चुका है, ये पूरा बदल गया है, ये भी बदल गया है। अभी जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ये देखो लाइट ऑन ऑफ करने का सेटअप देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरा इस तरह से जलेगा, यहाँ पर ये पूरा जलेगा, ये चेंज हो चुका है। चाहे तो लाइट यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, देखा यहाँ पर ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए ये सेटअप सबसे अच्छा हुआ है। अगला अपडेट इसके अंदर आपको मिलेगा मोबाइल चार्जिंग का, खुल जा सिम। ये देखो बहुत तगड़ा भाई ढक्कन इसका कैप दिया है, ये देखो मोबाइल चार्जिंग, USB चार्जिंग पॉइंट है, गजब का देख रहे हो, इसमें बना भी है। और अब ये रही इसकी चाबी की, आपको इस तरह से मिलेगी, पल्सर का लिखा इग्निशन, यहाँ पर चाबी यहाँ पर डाल के इग्निशन जैसे ऑन करेंगे, ये देखिए पूरा फुल डिजिटल मीटर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल मिस कॉल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, गियर इंडिकेटर, फ्यूल, और यहाँ पर ये पूरा सेटअप इस तरह से ये दिखने वाला है इस गाड़ी में। ये देखिए पूरा मीटर इस तरह से रहेगा, देख रहे हो, ये स्मार्ट कनेक्ट की यहाँ पर आपको मिलेगी लाइट, और यहाँ पर जैसे 3 कलर में ये बदलेगा, देखना अभी लाल,
हरा और नीला, तीन कलर में देख रहे हो, ऐसा किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। गियर इंडिकेटर फ्यूल यहाँ पर आपका दिखाएगा, यहाँ पर ऑडियो है और ये आपका ट्रिप रहेगा। देखो यहाँ पर ये आईएफई एएफई डी वार्निंग इंटर सेटिंग सब पूरा है पर पल्सर, ये आपका कोड रहेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करने का। नेविगेशन यहाँ पर देखो लिखा है इंडिकेटर एबीएस एफआई लाइट इंजन टेम्परेचर या आपका न्यूट्रल ये सब रहेगा। फ्यूल यहाँ पर आरपीएम यहाँ दिखाएगा, साइड स्टैंड यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखो साइड स्टैंड सर्विस भी दिखाएगा, क्लॉक है यहाँ पर, कॉल मिस कॉल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपका दिखाएगा। ये देखना पूरा सेटअप देख रहे हो, ये इस तरह से रहेगा। तो एकदम नया कंसोल इसके अंदर आ गया पूरा फुल डिजिटल मीटर के साथ डुअल टोन फिनिशिंग के साथ। ये देखो आप ये कलर और यहाँ पर ये पूरा ब्लैक रहेगा। तो ये चीज़ कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सबसे तगड़ा और सबसे नया अपडेट आपको ये मिलेगा और यहाँ पर ये पूरा चेंज हो चुका है, ये भी बदल गया है और उसके बाद आगे की पूरी हेडलाइट और पीछे भी ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये लुक आप देख लीजिए, इंजन यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से रहेगा और स्विंग आर्म आप देखिए यहाँ पर इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फुटरेस्ट रहेगा और साइड का जो पैनल है ग्रिल रहेगा आपका अंडर कवर, यहाँ पर चाबी लगा के सीट खोल सकते हैं। स्प्लिट में आपको सीट मिलेगी, सीट आपको वही मिलेगी। NS 160 की नई बेजिंग, नए स्टिकर यहाँ पर, नए ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे, कलर आप देख ही रहे हैं। ग्रेबरेल आपका इस तरह से रहेगा, ये देखिए एकदम गजब का, यहाँ पर NS 160 की बेजिंग। साइड प्रोफाइल ये रहा आपका साइड का पैनल और ये देखिए आप पूरा अंडर बेल एग्जॉस इसके अंदर और स्टैंड और यहाँ पर ब्रेक लीवर, ये आपका फुटरेस्ट, स्विंग आर्म देखिए पीछे आपका इस तरह से, ये आपका आ जाएगा मडगार्ड इस तरह। देखो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर लिखा 23/2/2024 का है, ये दो दिन का मॉडल है सोच लो आप। और पीछे 230mm का डिस्क ब्रेक ABS के साथ आपका रैपिंग के साथ बढ़िया व्हील आपको मिल जाती है काफ़ी अच्छी, टायर भी आपको मिल जाता है इसके अंदर। ये देखिए आप टायर पूरा देख रहे हो, ये आपका रहेगा टायर पूरा एकदम गजब का रहने वाला है और ये आपका पूरा इस तरह से रहेगा। ग्रे कलर का नई रैपिंग है। अब देखिए सबसे ज़बरदस्त अपडेट इसके अंदर ये रहा इसका टेल लाइट, LED वाले टेल लाइट ये पूरा चेंज हो चुका है। ये देखिए आप पहले कैसा था वो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो चैनल पर वीडियो डाला है आप देख लीजिए। LED इंडिकेटर आ गया है, यहाँ पर नंबर प्लेट की लाइट व्हाइट हो चुकी है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको तीन मिल जाएंगे, नंबर प्लेट यहाँ लगेगा, पूरा रियर का प्रोफाइल इस तरह रहेगा। अभी जला के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। गाड़ी हो गई स्टार्ट, अभी आवाज़ भी सुना रहा हूँ, देखो आप ये देखो टेल लाइट देखो, यहाँ पर नंबर प्लेट की लाइट व्हाइट, इंडिकेटर देखो आप, ये पूरा पीछे से गाड़ी पूरी बदल गई है। ये देखो आप ये इसमें ऐड हो चुका है, यानी N160 और N150 वाला पल्सर N160 N150 वाला ही आ गया है। ये देख रहे हो एकदम बदल गई है गाड़ी पूरी, देखो आप यहाँ पर लुक, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद देख रहे हो एकदम बवाल दिख रही है भाई गाड़ी, ये देखो गजब पूरा एकदम चेंजेस। अब आवाज़ इसका मैं सुनाता हूँ आपको, अब ऐसी आवाज़ और थंब इसमें बेस है जो कि इस सीसी में अगर आप यमहा R15 भी जाते हैं ना या फिर MT15 जाते हैं या आप यमहा की FZS जाते हैं ये आवाज़ नहीं मिलेगा। आप स्टार्ट करके सुन लीजिए, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, बगल यमहा गाड़ी खड़ी है, आप आके यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और हम हैं शिवम बजाज कालियावाड़ी गिरी रोड नवसारी गुजरात, इसका आवाज़ सुनना और आप चाहें तो MT15 यमहा का सबका सुन लेना, इससे अच्छा आवाज़ उसका नहीं मिलेगा। और इसकी जो गाड़ी की कीमत है वो है ऑन रोड कीमत 1,70,000 रुपये अप्रोक्स। अच्छी प्राइस के लिए यानी कि सही प्राइस के लिए एकदम एक्चुअल के लिए हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, तो आप शोरूम पर विजिट करिए, सारी प्राइस आपको डाउन पेमेंट के साथ मिल जाएगी। डाउन पेमेंट लगभग 40-50 हज़ार रुपये इस गाड़ी का आएगा। तो वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।